गाइस मुझे यहाँ पर एज अ स्पीकर बुलाया गया है। ये तो सेलिब्रिटी लगती है, इसको सब कोई जानते हैं यहाँ पर। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है बिल्कुल 12 बजे से, रात के 12 बजे से 10 मिनट पहले, और अगला दिन शुरू होने वाला है, लेकिन मैं सोचा चलो 10 मिनट पहले ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो कल मुझे जाना है मेटा मीटअप में जो कि हो रहा है दिल्ली में, और ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जो मैं मेटा जाऊंगी, मेटा ऑफिस, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने पूरी तैयारी कर ली है अपनी कि मुझे क्या क्या करना है, और हमारा कल का दिन कैसा होने वाला है वो आपको कल इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा अच्छे से। तो स्टे ट्यून्ड, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं। मैंने अपने सारे कपड़े रख लिए एक जगह पर, अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखो मेरे कपड़े इसमें रखे हैं, और इसमें कुछ चीजें रखी हैं, इसमें रखे हैं, और बैग भी मैंने इसी में रख दिया, सारा कुछ इसमें रख दिया, स्कर्ट है, टॉप है, सब कुछ है। तो ये आपको कल ही देखने को मिलेगा, मतलब कल सुबह, और हमें बिल्कुल सुबह सुबह जल्दी उठना है। 7 बजे तक उठ जाऊंगी मैं, यार देखते हैं यार पता नहीं कितने बजे उठा, पता नहीं उठ भी पाऊंगी या नहीं उठ पाऊंगी। और ये अभी तक ट्राई कर रही है सारे कपड़े, हम लोग दोनों ही मिलकर ट्राई व्राई कर रहे थे, उसके बाद मैंने सब कुछ रखा, फिर मैंने सोचा चलो इंट्रो ले लेते हैं। ये क्या लुक है तुम्हारा गाइस, रूम को इग्नोर करना, अभी हम लोग साफ करेंगे। अच्छा, और अगर मैं आपको मिम्सी को दिखाऊं तो मिम्सी कुछ इस तरह हमारे साथ लड़कियों के बीच घुसी रहती है और कुछ ना कुछ करती रहती है, और कपड़ों में बिल्कुल यहाँ पर कपड़े सूंघ सूंघ कर बताती है कौन सा पहनना चाहिए, है ना, है ना मिम्सी। चलो इसको छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा आज लेजी बनी हुई है, लेजी तो नहीं, लेजी बोलो तो काटने लग जाती है लेजी। चलो छोड़ जाओ जल्दी से। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ बस अपना रूम क्लीन करने जल्दी से, और हमें बोला गया कि अच्छे से सो कर आने के लिए, क्योंकि कल का फंडे होने वाला बहुत ज्यादा, और ऐसा नहीं होना चाहिए क्रिएटर बिल्कुल भी टायर्ड हो। तो मैं तो अच्छे से आराम से भैया नींद लूंगी अपनी पूरी, क्योंकि मुझे सुबह नहीं उठा जाता, बड़ी मुश्किल से उठ पाती हूँ, लेकिन कल तो इंशाल्लाह मुझे उठना है, ध्यान से उठ जाएंगे। चलो अभी चलते हैं, अभी जो भी होगा वो आपको देखने को मिलेगा, वरना मैं आपको मिलूंगी कल सुबह, मतलब आज सुबह, तो जैसा भी होगा देख लेंगे। बाय गाइस, तो हो चुकी है आज नेक्स्ट डे, अगली सुबह, और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, और अभी मुझे कपड़े चेंज करने हैं अपने, बहुत सारे काम है, और मुझे अपनी हेयर स्टाइल करवानी है, और मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ अभी। मैंने कल दिखा दिया था, चलो फिर मैं आप पहन कर ही आपको दिखाऊंगी। यार मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब पता नहीं मैं पहनने के बाद कैसी लगती हूँ, तो आप लोग ही मुझे कपड़े के बताओगे कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। और मिम्सी को मैं पहना देती हूँ ये लेदर की स्कर्ट, इसमें पूरा आ गई है, यहाँ पे रैंप वॉक हो रहा है पीछे, मॉडल हमारी तैयार है जो कि अपना कपड़े अपने पहन पहन कर 10 बार पहन रही है, कल भी 10 बार पहन चुकी, आज 20वीं बार चल रहा है, रात से तो ट्राई कर रही है। चलो गाइस मैं चलती हूँ, अभी जल्दी से हम चेंज करते हैं, उसके बाद मैं आपको चल ले चलूंगी बाहर, क्योंकि हमारी कार भी आने वाली है, उसके बाद हम जाएंगे हेयर स्टाइल करवाने के लिए, क्योंकि मेरे बाल मुझे अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, मुझे इसको थोड़ा अच्छे से करना है। चलो जल्दी से चेंज करते हैं। यहाँ मैंने अभी चेंज किया ही था कि इतने में जा चुकी है यहाँ की लाइट और बत्ती गुल, और वो जो एक बाल आधे स्ट्रेट रह जाते हैं और आधे वो जाते हैं, वो वाला हो जाएगा हम लोगों के साथ। मेरे बैग में मैंने थोड़ा सा अपना मेकअप रखा है यहाँ पे। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ कार में, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने हेयर स्टाइल करवाने के लिए, क्योंकि घर पे तो वैसे भी लाइट चली गई थी, लेकिन शायद अब आ गई होगी। चलो चलते हैं हम लोग सैलून, और वहाँ पे करवाते हैं अपने बाल, और फिर मैं आपको अपना पूरा लुक भी दिखाऊंगी। वैसे मैं अभी ऐसे ही उठकर आ गई हूँ, बस बाल बना भी नहीं बना पाते वहाँ पे। अच्छा हुआ हम लोगों ने डिसीजन पहले लिया था और अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, 5-10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। चलो चलते हैं गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने हेयर का कुछ काम कराने, ईट सुमन लगा, और ये सलून अभी ओपन हुआ है, मैं आ गई हूँ, मेरी एनर्जी नहीं है, तो अब चलो जल्दी से हम अपने हेयर मेकओवर करा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अभी जिस दिन से हमें कराना है वो है नहीं, अभी यहाँ पे उनको बुलाया गया है, वो आ रहे हैं हमारे हेयर स्टाइलिस्ट। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ, हम कैसे लग रहे हैं जल्दी बता देना, तो घटिया लग रही है। मैं आपको अपना अच्छा से लुक बाद में जाकर दिखाऊँगी। टाइम हो गई है जो कि मैंने ये वाले कर्ल्स करवाए हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, अभी मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, बस बाहर निकलकर। यहाँ पर इसका इतनी देर से हो रहा है यार, बहुत टाइम लगाती है, जबकि मेरे कर्ल्स है लेकिन उसके स्ट्रेट है सर। और यहाँ गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पूरे 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद अपनी लोकेशन पे, और अभी मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं रही थी, बस खुद को देख रही हूँ। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर क्रिएटर्स मीटअप में, जो कि है मेटा का क्रिएटर्स मीटअप। यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे, तो मैं अलग से आकर यहाँ पे बात कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि वहाँ पर शोर हो रहा है, थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। और अभी आने के बाद जो है, हम लोगों को जो है यहाँ पर ये मिला है, क्रिएटर्स को सबसे मिल रहा है, यहाँ पर सारे क्रिएटर्स हैं।
बताओ तुम क्या लिखना चाहोगे वहाँ पे? वहाँ पे लिखना चाहूँगा, अब मैं लिखने वाली हूँ सब गाइज, ये क्या लिखने वाली है? ओ वाह, अच्छा अच्छा, कुछ भी यार, ये तो अपनी बेकार सी ड्राइंग बना रही है। हटो भाई, देखो क्या आलू आलू बना रही है यार ये। ये क्या सड़ी हुई चीज़ बनाई है गाइस। यहाँ हम लोगों को भूख लग गई तो हम लोग कुछ खा रहे हैं जब तक। क्या है ये? ज़ुकीनी बिस्किट्स, बिस्किट्स ले लो गाइस। तोड़ रही है ये अनाज गाइस, मैं तो एक्सप्लोर कर रही हूँ यहाँ पर, देख रही हूँ कौन कौन है, क्या हो रहा है, नज़र मार रही, नज़र घुमा रही है, जज कर रही है, जज वाली आंटी। मसाला चाय बहुत बेस्ट है। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ अंदर और यहाँ पर पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी क्या होने वाला है। पीछे नहीं, अब मैं थोड़ी स्टोरीज और कुछ अपडेट्स दे रही हूँ और हर जगह पर क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, तो मैंने अभी ध्यान दिया और यहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ कैसा। ये तो सेलिब्रिटी लग रही है, इसको सब कोई जानते हैं यहाँ पर। और गाइस माशाल्लाह से मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को पॉपुलर लिस्ट में दिखाया गया, वो भी सबके सामने, और मुझे ये देखकर बहुत बहुत खुशी हुई और सारे लोग मुझे वहाँ पर जानते थे कि मैं व्हाट्सएप पर दिख रही हूँ। तो क्या आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर देख रहे हो? नहीं। और थैंक यू सो मच, आप सबके प्यार की वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ गाइस। तो लिखना नहीं आता, हम फोटो सेशन करा रहे थे अपना। मेटा इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी गाइस, मुझे यहाँ पर एज ए स्पीकर बुलाया गया है। कितना झूठ बोलेगी भाई, सपनों में तो मतलब ज्ञान देने के लिए आई हूँ। और वो चलो मैं आप लोगों को भी दे देती हूँ ज्ञान, ये है कि जल्दी से वीडियो को करो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। यार हम खाना नहीं खा पा रहे, हमें लग गई है बहुत भूख, हम लोग कुछ खा लेते हैं और अभी हमारा ब्रेक टाइम भी हो गया है। चलो गाइस अभी हम आ चुके हैं खा पी कर, मोटे 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 मोटे, और इतना भी नहीं खाया है, ज़्यादा भी नहीं खाया है। तो हमने आपको बोला गया इसके लिए कुछ सरप्राइज नहीं, कहीं तुम्हें कॉकरोच तो नहीं मिले? ओह माय गॉड, वो तो मेरा फेवरेट है। कुछ भी तुम्हारा हो गया? हाँ आ गया गाइस, हम दोनों का कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और फाइनली हो गया। Because you know, right? We actually have cool prizes. Guys, yeah, game chal raha hai. He is also the biggest account of Asia Pacific. With that, let's see if the read about change. Fastest. Call Ishita or Shreya or Ritika Gujar. So, Hacker Didi, that's me. Isha Bini Libro. गाइज हमारा इवेंट हो चुका है ख़त्म, हमारा मीटअप हो चुका है और ये बहुत ही अलग और बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छा था। मज़ा आया, मज़ा और थोड़ी थोड़ी देर पर नींद आ रही थी पर कोई बात नहीं, वर्थ इट था। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर घर जा रहे हैं। ये व्लॉग की कल्पना मैं अपने व्लॉग में भी लगा। हाँ हाँ गाइज, ये दो चार टाइम, वैसे भी अलग अलग ऑडियंस है बहुत सारी, तो वो देख लेंगे। और गाइज अब हम लोग घर जा रहे हैं और हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा। अब बाहर में जाके बताएंगे आपको गाइज। तो मैं घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं वैसे तो मैं कार में ही बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा, तो मुझे नींद आ रही थी क्योंकि हमारे घर से वो इवेंट जहाँ पर था वो बहुत दूर है गुड़गांव में, और हम लोग दिल्ली मतलब यहाँ पर आए, बहुत टाइम लगा, 2 घंटे लग गए समझ लो ट्रैफिक में, इतना ज़्यादा टाइम लगा। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं, मेरा मेकअप अभी बिल्कुल वैसे ही है, मैंने देखा आने के बाद। तो आज मेरा मेकअप बहुत बहुत अच्छा हुआ था, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही थी। मैं अपनी पिक्चर्स शेयर कर दूंगी इससे पहले ताकि आप लोग देख पाओ मुझे कि मैं कैसी लग रही थी। शायद मैंने अपना आउटफिट दिखाया या नहीं दिखाया पता नहीं यार, पर जाने के बाद याद ही नहीं रह पा रहा था क्योंकि वहां पर सब लोग बात कर रहे थे और इवेंट चल रहा था। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो आज। आप लोग बताओ कि आपको कैसा लगा ये सारा कुछ देखने के बाद, और बहुत सारे क्रिएटर्स थे वहाँ पर जिनसे हम मिले और बहुत अच्छा लगा। तो बस यहीं पे मेरा ये ब्लॉग खत्म होता है, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सबने लिए ब्लॉग जल्दी से, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपको आईडी नंबर दिख रही होगी, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी जाकर जल्दी से फॉलो कर लो और यहाँ पर सब्सक्राइब कर ही लेना अभी के अभी। और अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।